नमस्कार, मैं हूं दिव्या रानी और आप देख रहे हैं जीएन भारत। राज्य में जल्द होगी ट्रैवल यूनिवर्सिटी की स्थापना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि देश में झारखंड ऐसा राज्य है जहां के अनुसूचित जाति जनजाति के होनहार छात्र छात्राएं जो उच्च शिक्षा के लिए विदेशों में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, उन्हें फॉरेन एजुकेशन स्कॉलरशिप के तहत सहायता राशि दी जा रही है। राज्य के मैट्रिक पास करने वाले सभी बोर्ड के छात्र छात्राओं को भी सहायता राशि दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आदिवासी समुदाय के बच्चों को प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य में ट्रैवल यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पहली बार जेपीएससी नियमावली बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में भी बेहतर शिक्षा सुविधा मुहैया हो, इसके लिए 4,500 स्कूलों को नए रूप से सुसज्जित करने का काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि देश की आजादी एवं राज्य बनाने के बाद आदिवासी, दलित एवं अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षा के क्षेत्र में उम्मीद के अनुरूप विकास नहीं हो पाया है। शिक्षा के क्षेत्र में अभी भी सुधार की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में सरकार लगातार पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रही है। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें जीएन भारत के साथ। धन्यवाद।